श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आप लोगों के धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के महासंयोग के बारे में और बात करेंगे राशि वाले जो सामान खरीदेंगे उनके मुहूर्त के बारे में कि कौन सा मुहूर्त होना चाहिए। सबसे पहले आपको महासंयोग के बारे में बताएं कि अक्षय तृतीया के दिन ही इस बार कई ग्रह अपने उच्च की अवस्था में आ गए हैं और उनके उच्च की अवस्था में होने से एक महासंयोग बन रहा है। इस संयोग के दिन यदि आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ होता है। इस दिन ध्यान रखें किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाएं और किसी व्यक्ति के द्वारा आप भी किसी को अशुभ वचन ना बोले और कोई भी आपको अशुभ वचन ना बोले तो आप अपने व्यवहार को उत्तम रखेंगे तो ये बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि आज के दिन यदि आपने कुछ पाप किया तो उस पाप का भी आपका अक्षय हो जाएगा और आपने पुण्य किया, कोई आपने किसी को कुछ दिया या आपने कुछ दान किए तो इस प्रकार के यदि कार्य किए तो वह भी आपके लिए अक्षय रहेगा। साथ ही साथ एक काम इस महासंयोग के दिन जरूर करें, आप इस दिन वृक्षारोपण कार्यक्रम जरूर चलाएं। वृक्षारोपण कार्यक्रम से इस महासंयोग का फल आपके परिवार पर तथा आपके वंश पर पड़ेगा और वंश में यानी आपके परिवार में वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी। अब हम आपको मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि देखिए अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई सामान खरीदा जाता है तो वो अक्षय के रूप में होता है। खास करके सोना या फिर राशियों के अनुसार, मैंने जो पूर्व के वीडियो में बताया कि राशियों के अनुसार ये सामान खरीदना है तो उसके जो टाइमिंग है, मुहूर्त है, वो इस प्रकार है। यदि सुबह में सामान खरीदना हो तो सुबह 6:26, अब अलग अलग अक्षांश देशांतरों पर थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, 6:26 से लेकर आप 12:15 तक आप सामान खरीदें आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यानी 11:45 तक, थोड़ा सा अक्षांश देशांतरों पर कहीं 10 का अंतर हो सकता है, कहीं 20 का अंतर हो सकता है, परंतु इसका मिड का टाइम यदि आप ले लेते हैं 10-11 के बीच का टाइम तो आपको सब जगह ये मिलेगा। इस समय यदि आप सामग्री खरीदते हैं राशियों के अनुसार, मैंने जो पूर्व वीडियो में बताया है, ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए वो सामान अच्छा रहेगा और आपको वृद्धि भी देगा। साथ ही साथ सुबह 6:26 यानी 6:30 के बाद यदि आप वृक्ष लगाते हैं, उस समय के आसपास में वृक्ष लगाते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होगी। यदि आपके घर बच्चे नहीं हैं तो बच्चे का आगमन हो जाएगा। आपके घर कोई क्लेश या समस्या हो रही है, उस समस्या का उच्च के जो ग्रह हैं उस एनर्जी का प्रवाह वो वृक्ष लेगा और वृक्ष के हरे भरे होने से आपके घर में हरियाली छा जाएगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते।